सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस के बारे में। डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपका एडमिट कार्ड आ गया है, जो CSEB का डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसका। अब इसके एडमिट कार्ड आने के बाद सबसे पहले आपको इसके सिलेबस पर ध्यान देना होगा। देखिए, सिलेबस में सिर्फ इतना बताया गया है, 6 टॉपिक आएगा, सामान्य ज्ञान 25 अंक का, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान 15 अंक का, सामान्य मानसिक योग्यता 15 अंक का, सामान्य गणित 15 अंक का, सामान्य हिंदी व्याकरण जो है 20 अंक का, और सामान्य अंग्रेजी व्याकरण जो है 10 अंक का। इस प्रकार जो है 100 अंक का 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। ध्यान रखिएगा, बार बार स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। है भाई, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर दिया गया है। 1/4 अंक कटौती किए जाएंगे अगर आपका एक आंसर गलत होता है, मतलब 4 आंसर गलत होने पर आपके एक नंबर कट जाएंगे। ये यहाँ पर निगेटिव मार्किंग दिया गया है। 100 प्रश्न हैं और 100 क्वेश्चन आएंगे और आपका सिलेबस ये है। सिलेबस का डिटेल बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस सिलेबस के अंतर्गत कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एग्जाम जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब ऑनलाइन होना है आपका एग्जाम। आप अभी अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं कहां पर आपको दिया गया है। बाकी देखिए, आप चयन प्रक्रिया के अगले चरण में जाने हेतु कम से कम 100 अंकों में से 40% अंक जनरल और OBC वालों को लाना है और SC ST वालों को 30% लाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नंबर ले आए 40 नंबर और आपका अगले चरण में हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको कम से कम लाना है, बाकी जो अगले चरण के लिए लिस्ट निकलेगा वो हाईएस्ट मार्क्स में से निकलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौशल परीक्षा के लिए 5 गुना विद्यार्थी को बुलाया जाएगा। हिंदी टाइपिंग चाहिए आपको और इंग्लिश टाइपिंग चाहिए। देखिए, 50-50 अंक के दोनों रहेंगे, न्यूनतम इसमें भी 30-30 अंक पाना है आपको। 5000 कीवर्ड डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए दोनों में, देख सकते हैं आप लोग। तो ये है आपके सिलेबस और कंप्लीट प्रोसेस का। इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जाके आपका सिलेक्शन होना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। पहले ऑनलाइन एग्जाम क्रैक करना है आपको, उसके बाद आपको कौशल परीक्षा पास करनी है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर जाके सिलेक्शन। तो ये हो जाता है आपका प्रोसेस प्लस आपका जो सिलेबस है। सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया गया है। तो अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।